आज 22 मई 2021 रोज़ हफ्ता को पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन ने नादरा सर्जरी का इनकार ब्रिस्टल में किया। ब्रिस्टल में यूं तो कोरोना से पहले हर 2-3 महीने के बाद सर्जरी का इनकार होता था, मगर कोरोना के दिनों में क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्फ़ा आ गया तो तकरीबन 1 साल के बाद पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने इस सर्जरी का इनेकाद ब्रिस्टल में दोबारा किया, जिसमें तकरीबन 160 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। मुंतजमीन जिसमें आरिफ खान, मलिक इफ्तिखार और शनाज डार हैं, उनका कहना था कि ये ब्रिस्टल के शहरियों के लिए इंतहाई खुशाइंदा सर्विस है और आने वाले दिनों में यहाँ पर नादरा कार्ड के साथ साथ पासपोर्ट की फराहमी भी बनाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। आइए सुनते हैं मुंतजमीन और यहाँ पर सर्विस हासिल करने वाले लोगों के तासरात। जी, मेरा नाम महबूब चौधरी है और मैं ब्रिस्टल का रहने वाला हूँ। मैं पाकिस्तानी एम्बेसी जो हमारा बर्मिंघम के अंदर है, उन्होंने यहाँ पर नादरा की सर्जरी का इंतज़ाम किया है, यहाँ हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जो कि एक बहुत कामयाब तजर्बा है और पिछले कई सालों से ये कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोगों को बहुत ही इससे सहूलत होती है। पिछले 1.5 साल में कोरोना की वजह से ये बंद था और इस अब ये जो पहली सर्जरी है जो कोरोना के बाद लॉकडाउन के बाद हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो लोगों की तसरात हैं और आने से पता चल रहा है कि यहाँ पर सर्जरी की सख्त ज़रूरत है, और अगर हो सके तो ये हर महीने होनी चाहिए, और अगर हर महीने नहीं तो हर 6 हफ्ते के बाद तो डेफिनेटली इसको होना चाहिए। और हम शुक्रिया अदा करते हैं बर्मिंघम से आए हुए तमाम दोस्तों का और नादरा की टीम का और वहाँ के जो हमारे तहसील खाने के इंचार्ज हैं जनाब आमिर साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि ये कंटिन्यू रहेगा और इंशाल्लाह नज़ीर इसी तरह लोगों को बहुत सी सहूलत जो है वो उनके डोर स्टेप के ऊपर मिलती रहेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जी आरिफ खान है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशी से कह सकता हूँ कि आज 1 साल के बाद, चूँकि पंडेमिक लॉकडाउन रहा है, हम नहायत ही मशकूर हैं बर्मिंघम नादरा टीम, अहमद इस्माइल साहब के, सरदार खटक साहब के और सिस्टर सादिया के, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम सबसे पहले माशाल्लाह होल्ड कर रहे हैं नादरा सर्जरी ब्रिस्टल में, और 160 से ज़ायद जो है वो हमने बुकिंग आज की है। और मैं खुशी से कह सकता हूँ कि कोई भी जिन्होंने भी फ़ोन किया है, हमने सबको अकोमोडेट करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये नादरा सर्जरी की हमें सबसे ज़्यादा सहूलत यह है कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको कम से कम बर्मिंघम या लंदन तक नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ हर 2-3 माह के बाद इंशाल्लाह सर्जरी होती रहेगी। आप अपना नाम दर्ज करवाते रहें। मेरा नाम आरिफ खान है, टेलीफोन नंबर 07-831-669-369। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, भाईजान इफ्तिखार मलिक से भी रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मिलजुल कर हम अपने जो मसले मसाइल हैं उनको हल करेंगे। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शनाज डार है। ये सर्जरी पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तावन से आज ऑर्गेनाइज की गई है। हम ये सर्जरी every 3 months ऑर्गेनाइज करते हैं और ये सिर्फ कोविड की वजह से 18 months हम नहीं कर सके। इस सर्जरी का हमारे डोर स्टेप पे होने का फ़ायदा हमारी फैमिलीज़ को है, हमारी कम्युनिटी को है, हमारे बच्चे जो कि इतना बर्मिंघम ट्रैवल नहीं कर सकते, हमारे एल्डरली डिसेबल पीपल, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं शुक्रगुजार हूँ बर्मिंघम काउंसिल की जो हमेशा हमें अकोमोडेट करते हैं और हमारी कम्युनिटी को हमारे डोर स्टेप पर आके अपनी सहूलत जो है फ्राहम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम ये सर्विस आइंदा भी कंटिन्यू रखेंगे और पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हर every 3 months इसका इनकार करेगी। अगर आप में से किसी ने अपनी सर्जरी करानी है, अपना नाइको बनाना है, कार्ड रिन्यू कराना है, नए बच्चों के लिए बनाना है, तो आप पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर 077-659-7420 है। जो नया कार्ड बनना है उसकी फीस £64 है।
£54 है, और इसके अलावा आप पावर ऑफ अटॉर्नी भी करा सकते हैं, वो भी इसी सर्जरी का हिस्सा होगी। हमने कॉन्सुलेट से आज गुजारिश की है कि पासपोर्ट बनाने की सहूलत भी हमें मुहैया की जाए, जो कि वाइस कौंसल सादिया साहिबा ने वादा भी किया है, और वो अपनी कोशिश भी करेंगी कि पासपोर्ट बनाने के लिए भी इनके साथ किसी स्टाफ को की सहूलत मुहैया करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया मलिक है, मैं वाइस काउंसिल हूँ पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में, और आज हम यहाँ इस सर्जरी के सिलसिले में इस विज़िट के लिए यहाँ पर आए हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जो यहाँ फोकल पर्सन है ब्रिस्टल में आरिफ साहब, उन्होंने एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है ब्रिस्टल की कम्यूनिटी को कि वो जो कौंसलर सर्विसेज कौंसलेट देता है उस तक रसाई हासिल करने के लिए एक आसान उनको तरीका प्रोवाइड किया है, और मैं कम्युनिटी को बिल्कुल इनक्रेज करती हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें और पूरी तरह इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आज ब्रिस्टल में नादरा सर्जरी का इनेकाद किया गया, और चूंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा था, पिछले एक साल से कोविड की वजह से सर्जरी नहीं हो पाई थी, तो लोगों का काफ़ी रश था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नादरा की टीम ने बड़ी जानशानी से काम किया और बड़े स्मूथली काम हो रहा है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमने लोगों को बुक किया है एंड ऑफ द डे हम इंशाल्लाह हर एक को सर्व करेंगे। हमारी कोशिश है अपनी कम्युनिटी के लिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पैदा कर सकें इंशाल्लाह करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर। अच्छा, कितनी आज बुकिंग्स हुई हैं और राबता करना चाहे तो आपका नंबर क्या है? सो फार हमारे पास जो है 164 की बुकिंग है, जो कि एक हाईएस्ट फिगर है। इससे पहले जो नादरा की सर्जरी होती रही है वो मैक्सिमम जो फीड होते रहे हैं वो 130 तक लोग सर्व होते रहे हैं एक दिन में, लेकिन चूंकि मैं जैसा मैंने पहले कहा है कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है तो वो 164 की बुकिंग है, बाकी जो ऑनलाइन बुकिंग हुई है वो इससे अलग है। लेकिन चूंकि कौंसिल जनरल साहब ने वादा किया है कि लास्ट जो पर्सन होगा जब तक सर्व नहीं हो सकेगा तो हमारी टीम जो है यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हम इस चीज़ को, तो 164 इंशाल्लाह जो है हम अचीव करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हियर इन ब्रिस्टल, आई एम गेटिंग माय कार्ड मेड, माय नेम इज फहद सादिक, and it's fantastic how everything has been arranged for the Bristol community, so well done community people, you did a great job, really nice atmosphere and well organized, thank you। अस्सलाम वालेकुम, जी मेरा नाम मुदस्सर जैदी है, मैं यहाँ पर लोकली ब्रिस्टल में ही रहता हूँ। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी स्पेशली लोकल और फैमिली वालों के लिए, ये लोकल सर्जरी यहाँ हेल्ड हुई है ब्रिटिश हाई कमीशन की, पाकिस्तानी हाई कमीशन वालों की तरफ से बर्मिंघम, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ दिया ऑर्गेनाइजर्स को भी और जो यहाँ स्टाफ आया है, वेल डन, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने आज बहुत अच्छा इंतजाम किया, और ख़ासतौर पे मैं आरिफ खान साहब का और इफ्तिखार भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह के इवेंट उन्होंने बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज किए, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाए, और ये कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा एक सरमाया है, अल्लाह ताला इनको इसी तरह एक काबश करने की तौफीक अता फरमाए रखें।